वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरल में वायनाड के लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके का फिजाई सर्वे किया। बचाव, राहत कारी और बहाली के कामों का लिया जायजा। मुतासरीन से भी की मुलाकात। मगरबी बंगाल में खातून डॉक्टर के कत्ल के मामले में पूरी रियासत में जूनियर डॉक्टरों का एहतजाज। डॉक्टरों ने कामकाज किया बंद। नर्सरों से कत्ल के खिलाफ किया मुजाहिरा। बीजेपी ने ममता हुकूमत पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस भी हुकूमत के खिलाफ उतरी सड़कों पर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने रिजर्व बैंक के बोर्ड मेंबरान के साथ बजट के दफात पर किया तबादला ख्याल। माली इस्तेहकाम, इफरात ज़र और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन पर की बातचीत। हिंदुस्तान और तिमोर लेस्ते के दरमियान वीजा मवासला समय 3 अहमतनामों पर दस्तखत हुए। द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के आला तरीन शहरी एजाज से किया गया सरफराज। भारतीय रेसलर रितिका हुड्डा फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। आखिरी 16 के मैच में हंगरी की रेसलर को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वायनाड दौरे की खबर से, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरल में आए लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके का फिजाई सर्वे किया। और इस वक्त केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। उन्होंने तबाही के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली जानकारी दी। 30 जुलाई को सुबह ये सानहा वायनाड के चुरलमाला, मुंडकी और अट्टामाला के आसपास के वाक़े गांव में पेश आया था, जिसमें अब तक 226 मरने वालों की शिनाख्त और सरकारी तौर पर तस्दीक हुई है। रिलीफ रेस्क्यू के बाद भी आर्मी, कोस्ट गार्ड, नेवी, एनडीआरएफ, फॉरेस्ट और फायर डिपार्टमेंट के अमले को लोगों की तलाश करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए रडार और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया था। मुतासरा इलाकों की बहाली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। और मुंडकी और चुरलमाला से लैंडस्लाइडिंग शुरू हुई थी और बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थर और मिट्टी लुढ़क कर चुरलमाला तक पहुंच गई, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा और लोग दब गए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पूरे इलाके का दौरा किया और इरुवानी पझा नदी के साथ सड़क बह गई, इमारतें गिर गईं, जमीन तक खिसक गई और इस खौफनाक तबाही की तस्वीरें सारी सूरत हाल बयान कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बचाव, राहत और बहाली के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की गई। और विरलमाला GVH स्कूल मिट्टी के तोदे के मलबे तले पूरी तरह से दब गया, यहाँ तक के दरियाए अरुण पाजू पुल का नामो निशान भी तबाह हो गया, और जिसकी वजह से चुरलमाला और मुंडकी के दरमियान वाहिद राबता मुनक़ता हो गया। नदी के दोनों किनारों को जोड़ने का चैलेंज था। फौज की सदर कमांड के इंजीनियरिंग सेक्शन ने बेली ब्रिज के तामीर की जिम्मेदारी ली है। पुल की तामीर का काम 31 अगस्त की शाम को शुरू हुआ और ये पुल रिकॉर्ड 31 घंटे में मुकम्मल कर लिया गया, और इसकी तामीर के साथ ही इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई गई। वज़ीर आज़म ने 120 फीट लंबे पुल का दौरा किया। आगे बढ़ते हैं, जहां केरल के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग के बाद मरकजी हुकूमत ने बचाव और राहत के कामों के लिए कई कदम उठाए हैं। 30 जुलाई को मुसलसल शदीद बारिश की वजह से केरल के वायनाड जिले के मुंडकी, चुरलमाला और विलियारमाला गांव में जमीन खिसक गई, जिसके बाद मोदी हुकूमत ने सूरत हाल का जायजा लिया और जाय हादसे पर बचाव और राहती कार्रवाइयों के लिए NDRF, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस समेत 1200 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों को तैनात करके फौरी बचाव और राहत कार्रवाई शुरू कर दी गई।
طبی امداد اور علاج کے لیے ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے کے ساتھ 100 سے زائد ایمبولینس کا استعمال کیا گیا۔ ہندوستانی فوج نے وائناڈ میں 190 فٹ کا بیلی پل بنایا جس نے بھاری مشینری اور ایمبولینس کی نقل و حرکت کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس پل کی تعمیر صرف 71 گھنٹوں میں مکمل ہوئی جس نے 200 کے قریب پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے بھاری گاڑیوں اور مشینری کو تعینات کر کے ریسکیو آپریشن میں بڑی سہولت فراہم کی، اور اب تک کل 30 لوگوں کو بچایا گیا ہے۔ 520 ملبے میں پھنسے لوگوں کو نکالا گیا ہے اور NDRF کی ریسکیو ٹیموں نے 112 لاشیں نکالی ہیں۔ مرکزی حکومت نے ریاست کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے ایک بین وزارتی مرکزی ٹیم تشکیل دی ہے۔ ٹیم 8 سے 10 اگست تک متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی۔ مرکزی حکومت نے آفات سماوی سے نمٹنے کے لیے فنڈز کی بروقت فراہمی کر کے کیرل کی مدد کی ہے۔ موجودہ سال کے لیے SDRF کے مرکزی حصے کی 145.60 کروڑ روپے سے زیادہ کی پہلی قسط 31 جولائی کو ہی جاری کر دی گئی تھی۔ 1780 کروڑ روپے کی کل اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ میں سے مودی حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں SDRF میں مرکز کے حصے کے طور پر تقریباً 1200 کروڑ روپے جاری کیے ہیں، اور اس کے علاوہ مودی حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں اسٹیٹ ڈیزاسٹر میٹنگ اور جو فنڈز ہیں ان کے لیے 445 کروڑ روپے کی رقم بھی جاری کی ہیں۔ مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ میں خاتون ڈاکٹر کے قتل کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو لے کر ڈاکٹروں میں کافی غصہ پایا جا رہا ہے۔ ریاست میں جونیئر ڈاکٹروں نے کام کاج بند کر دیا ہے اور نرسوں نے قتل کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ کولکتہ کے RG کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں جمعے کو ایک خاتون ڈاکٹر مردہ پائی گئی۔ ابتدائی طور پر حکام اور حکومت نے اسے خودکشی جیسا بنانے کی کوشش کی، لیکن بعد میں جونیئر ڈاکٹروں کے دباؤ کے بعد ماہرین کی ٹیم کے ساتھ پوسٹ مارٹم کرایا گیا جس میں معلوم ہوا کہ یہ قتل کیا گیا تھا اور ممکنہ طور پر اس سے قبل جنسی زیادتی کی گئی تھی۔ RG کر کے جونیئر ڈاکٹروں نے ایمرجنسی کو چھوڑ کر تمام خدمات فوری طور پر معطل کر دی ہیں، اور بی جے پی نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور احتجاج کیا ہے۔ بی جے پی لیڈر سمندو ادھیکاری نے اس قتل کی CBI جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں کولکتہ کے سرکاری اسپتال میں خاتون ڈاکٹر کی موت کے معاملے میں ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کئی باتیں سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے پورے جسم بشمول جسم کے نازک حصوں پر زخموں کے نشانات تھے۔ پوسٹ گریجویٹ ٹرینی خاتون ڈاکٹر کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ، جس کی لاش جمعے کو کولکتہ کے ایک سرکاری اسپتال سے ملی تھی، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس سے جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، اور پولیس نے یہ اطلاع دی ہے۔ اس واقعے پر مغربی بنگال کے ایڈیشنل پولیس کمشنر مرلی دھر نے کہا ہے کہ ہم نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ قتل کے ساتھ ساتھ جنسی ہراسانی کا بھی معاملہ ہے۔ تحقیقات شفاف طریقے سے درست سمت میں کی جا رہی ہے۔ As Leonard CP sir has told that we have started case under section 131 and 64 NS. Okay, so this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits us. اور فیڈریشن آف ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے مرکزی وزیر صحت JP نڈا کو RG کر میڈیکل کالج کولکتہ میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ایک انتباہی خط لکھا ہے، اور خط میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں کاروائی نہ کی گئی تو طبی خدمات بند کرنے سمیت کاروائی شروع کی جائے گی۔ کولکتہ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال RG کر میڈیکل کالج و اسپتال میں خاتون ڈاکٹر کے ساتھ مبینہ عصمت دری اور قتل کے واقعے کے بعد اپوزیشن پارٹیاں BJP نے ریاستی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ BJP رہنما امت مالویہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر لکھا کہ کولکتہ کے RG کر اسپتال میں خاتون ڈاکٹر کی وحشیانہ عصمت دری اور قتل کے معاملے کو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی بنگال کی وزیر اور وزیر صحت ممتا بنرجی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے، لیکن کردار کشی شروع ہو گئی ہے۔ پرنسپل پر الزام ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں آدھی رات کو سیمینار ہال جانے کے لیے کس نے کہا تھا۔ یہ ممتا
चटर्जी की किताब से रास्त तौर सर से निकला है, मुतासरा को बदनाम करो और उसके वकार को मजरू करो ताकि वालदेन अपनी शिकायत वापस लेने पर मजबूर हो जाएं। और इससे कबल अमित वानिया ने सोशल मीडिया एक्स पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा था कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक जवान खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में नाकाबिल यकीन तफसीलात दी गई हैं। अगर कोलकाता के अस्पतालों में खवातीन को संदेश खाली जैसी जगहों से क्या उम्मीद की जा सकती है। वजीर आला ममता बनर्जी बंगाल की वजीर सेहत भी हैं, उनके दौर में खवातीन डॉक्टरों पर जुल्म किया जा रहा है वो, और कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में खातून डॉक्टर की मौत के मामले में कांग्रेस कारकुनान भी सड़कों पर उतर गए हैं। मुजाहरे के दौरान कांग्रेस रहनुमाओं ने मगरबी बंगाल पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि कोलकाता जैसे शहर में इस तरह का वाकया तश्वीशनाक है। हम लोग जातियों कांग्रेस से आए हुए हैं, हम लोग को हम लोग का भी रिप्रेजेंटेशन, हम लोग के पार्टी से रिप्रेजेंटेशन ये जो कमेटी गठन किया गया है उसमें रखना पड़ेगा। और जो ऐसे माहौल में कलकत्ता के शहर में इतना बड़ा घटना घट गया, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एक महिला का जिंदगी चला गया, कैसे हुआ ये हम लोग को जानना पड़ेगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मरकजी बजट 2024-25 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम बैंकिंग रेगुलेशन तरमीमी लॉ ला रहे हैं और तरमीमी एक्ट लाने की बहुत सी वजूहात हैं। ये कुछ अरसे से ज़ेर अल्तवा था जो कॉपरेटिव सेक्टर का शोबा से मुतालिक इसमें कुछ रीस्ट्रक्चरिंग भी की गई है। वहीं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट्स दैट वी आर ब्रिंगिंग इन इज नॉट जस्ट ओनली फॉर दैट, देयर आर मेनी अदर्स व्हिच आर रीजंस बिहाइंड व्हाई वी हैव ब्रॉट अ बीआर अमेंडमेंट एक्ट। इट्स बीन पेंडिंग फॉर सम टाइम, पेंडिंग इन द सेंस इट वाज लॉन्ग अवेटेड। It also had some realignments as regards the cooperative sector banking arena, and the nomination is one of the things which is a customer-friendly step, because I think it is important for customers to have that choice, and also to make sure that the nominees later on don't face any difficulty in claiming what is rightfully theirs. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक अपनी जमा की शरहों का फैसला करते हैं और वो अपनी शरह सूद भी तय करते हैं। एक बैंक की शरह दूसरे बैंक से मुख्तलिफ हो सकती है। देयर डिपॉजिट रेट्स, दे फिक्स देयर इंटरेस्ट रेट्स, द पोजीशन द सिचुएशन कुड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। एट टाइम्स यू वुड हैव सीन सर्टेन बैंक्स लॉन्च अ स्पेशल ड्राइव टू रेज डिपॉजिट्स, सो दे tend to give a higher rate of interest for deposit mobilization. But overall in the financial system, I think our interest rates have not been very volatile. They have been fairly stable. भारत और तिमोर लेस्ते के दरमियान तीन मफाहमत नामों पर दस्तखत हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मवासलात, सकाफती तबादले और वीजा से इस्तस्ना शोबों में मफाहमत नामों पर दस्तखत हुए। प्रसार भारती और मशरिकी तिमोर लेस्ते टेलीविजन और रेडियो आरटीटीएल के दरमियान भी एक मुआहदा हुआ है। कुछ सर्विस और सिफारती पासपोर्ट रखने वालों को वीजा में छूट देने के हवाले से मफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं। तिमोर लेस्ते के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजा गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के सदर होजे रामोस होर्टा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने पर शुक्रिया अदा किया। एंड तिमोर लेस्ते एंजॉय वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशंस बेस्ड ऑन आवर शेयर्ड कमिटमेंट टू द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्लुरलिज्म। आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन बाय relations between the two countries. I am deeply honored
by the Grand Collar of Order of Timor-Leste bestowed upon me. This is a reflection of the deep bond of friendship between India and Timor-Leste. और इससे कबल तिमोर लेस्ट हुकूमत दिल्ली पहुंचने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तिमोर लेस्ते के वजीर आजम के साथ दो तरफा मुलाकात करेंगी। सदर जमहूरिया आज शाम एक कम्युनिटी इस्तकबालिये में भी शिरकत करेंगी और बाद में तिमोर लेस्ते के सदर की तरफ से उनके एजाज में दी जाने वाली सरकारी जियाफत में भी शिरकत करेंगी और वहां पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया। मुझे दिया गया ग्रैंड कलर ऑफ टिमोर लेस्ट का सम्मान भी इसी स्नेह और विशेष मित्रता का ही एक दस्ता है। मुझे ये जानकर प्रसन्न हुई है कि भारत टिमोर लेस्ट के साथ राजनीतिक संबंधों स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध लोकतंत्र और के साझा मूल्यों पर आधारित है। तबल लिस्ट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। पारंपरिक लाभ के लिए सहयोग को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए तिमोर लिस्ट की सरकार और यहाँ के लोगों के साथ अपना जुड़ाव जारी रखें। वजीर ख्वाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मालदीव के दौरे के दौरान उन्होंने वहां के अपने हम मनसब मूसा जमीर के साथ कम्युनिटी के स्कीमों का इफ्तिताह किया। ये स्कीमें दिमाग के लिए स्पीच थेरेपी और खसूसी तालीम है। नेशनल ऑफ इंडिया और मालदीव की इकतसादी तरक्की और तिजारत की वजारत के दरमियान डिजिटल अदायगी के निजाम से मुतालिक एक मुहिदे पर भी दस्तखत किए गए। वजीर ख्वाजा डॉक्टर मालदीव के साथ भारत की शराकत दारी एक दूसरे के फायदे के लिए मिलकर पर मबनी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मालिक के तालुकात भारत की पड़ोसी सबसे पहले पॉलिसी की बुनियादों में से एक हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को इंतबाही खत लिखा है। अपने खत में उन्होंने NHAI अफसरान और ठेकेदारों की हिफाजत के हवाले से हुकूमत के अदम तहफ्फुज़ इकदामात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 14,288 करोड़ रुपए के 293 किलोमीटर के 8 मंसूबे बन जाएंगे। मरकजी वजीर ने खत लिखा है कि हाल ही में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर पेश आने वाले दो वाकयात के बारे में मालूम हुआ है। जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसकी तस्वीरें भी आपको भेज रहा हूं। हालांकि इस वाकये के सिलसिले में FIR भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। वहीं लुधियाना जिले में एक और वाकये में शरपसंदों ने दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पर एक ठेकेदार के प्रोजेक्ट कैंप पर हमला किया और प्रोजेक्ट कैंप में इंजीनियर और मुलाजमीन को जिंदा जलाने की कोशिश की। इस मामले में तहरीरी शिकायत के बावजूद अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मरकजी वजीर ने अपने खत में ये भी कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने 15 जुलाई को पंजाब के PWD के वजीर और MORTH NHAI और रियासती हुकूमत के अफसरान के साथ पंजाब के प्रोजेक्टों की एक जायजा मीटिंग की थी। मुलाकात के दौरान मुझे यकीन दिलाया गया था कि जमीनों के हुसूल और अमन अमान से मुतालिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ताहम इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, वहां के हालात और भी खराब हो गए हैं। उन्होंने इंतवा दिया है कि पंजाब में इससे कबल 104 किलोमीटर के 3,263 करोड़ रुपए के मंसूबे रोके गए थे। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 14,288 करोड़ रुपए के 293 किलोमीटर के प्रोजेक्ट रोक दिए जाएंगे। अमित शाह ने नई दिल्ली में गन्ने और बायो एनर्जी इंडस्ट्री पर मुनाकिद कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ताउन हमारी सकाफत का एक लाजमी हिस्सा है। कोऑपरेटिव तहरीक में तरक्की सुस्त हुई, मोदी जी ने एक तारीखी फैसला किया और एक अलहदा ताउन की वजारत बनाई। कबल अजी कोऑपरेटिव को रियासती हुकूमत के भरोसे पर छोड़ दिया जाता था, इसमें कौमी पॉलिसी का फुकदान था। सहकारिता कानून में ढली इसके पहले हमारे देश में सहकारिता का भाव
हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, 1947 से एक मांग हमेशा सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की रही कि एक अलग सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में हो। मैं तो एक सहकारिता आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सहकारिता मंत्रालय अलग से बनाया। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पैदावार बढ़ाने और लागत कम करने के लिए अच्छे बीजों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इसको जहन में रखते हुए वजीर आज़म मोदी इतवार को एक सुनो बेहतर बीज जारी करेंगे जो मुख्तलिफ मौसमी इलाकों के लिए मौजूद साबित होंगे। अगर उत्पादन बढ़ाना और लागत घटाना तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अच्छे बीज। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके अधिक उत्पादन देने वाली 109 नई किस्म बीजों की तैयार की गई। कल प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अलग अलग 109 किस्मों को किसान के लिए जारी करेंगे। ये फसलें अलग अलग एग्रो और एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर पौधा लगाया। ओम बिरला ने कहा कि नौजवान नस्ल को माहौलियाती तहफ्फुज के अजीम करारदाद में शामिल होना चाहिए और इज्तमाही शराकत से ही हम फितरत को संवार सकेंगे। और इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया है कि कर्नाटक में 1200 किसानों ने माली परेशानियों से मजबूर होकर खुदकुशी कर ली, लेकिन क्या राहुल गांधी ने कभी इस पर कोई तश्वीश जाहिर किया? गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के डीएनए में करप्शन है। 59 प्रॉमिसेस मेड बाय द कांग्रेस इन इट्स मैनिफेस्टो इन कर्नाटक अलोन। They have only fulfilled two of them. वादे किए, delivery rate दो वादे पूरे किए, 3%। वादा निभाने का प्रतिशत है 3, वादा खिलाफी और भरोसा तोड़ का प्रतिशत है 97। वादा खिलाफी कांग्रेस का राहुल गांधी का डीएनए है, और अगर गलत बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी बाहर निकलिए। 1200 किसानों ने आत्महत्या की कर्नाटका में, आपने क्या कदम उठाए? आपने वादे किए बड़े 59, पूरे हुए 2-3%। यह आरोप लग रहा है आप पे। कर्नाटका की जनता, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, वहां की जनता ठगा महसूस कर रही है। और अब बात करते हैं हर घर तिरंगा मुहिम की। मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज राजकोट से तिरंगा यात्रा का आगाज किया। यात्रा में गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। जेपी नड्डा ने कहा कि राजकोट से शुरू होने वाली ये तिरंगा यात्रा हर तालुका और डिवीजन तक पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा का ये सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहेगा। जेपी नड्डा ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के ताउन को याद किया। हम सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूल सकते। मित्रों, ये कहना आसान है लेकिन याद करो, यह देश जब आजाद हो रहा था तो 562 रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था, लेकिन इसी गुजरात की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के 2 साल के अंदर 562 रियासतों को एक साथ जोड़ करके मेरा भारत महान ये बना करके दिखाया। ये हम सबके सामने इस बात का
साक्ष्य। वही जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत पुलवामा में तिरंगा यात्रा किया गया। इस यात्रा में लोगों की बड़ी तादाद ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। पुलवामा के एसएसपी पीडी नित्या ने बताया कि आज हमने तिरंगा रैली निकाली है जो हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा है। तो ये थी खबरें तिरंगा यात्रा से मुतालिक। और आगे बढ़ते हैं, जहां बांग्लादेश में एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है और आज एहतजाजी तलबा ने एहतजाज के बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ने अपने ओहदे से मुस्तफी होने का फैसला किया है। मुजाहिरीन ने उनकी रिहाइशगाह तक मार्च किया। मौसूला इत्तला के मुताबिक मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों से एक घंटे में मुस्तफी होने को कहा और बढ़ते हुए मुजाहिरों के पेश नज़र चीफ जस्टिस ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। खेल की खबरों में भारतीय रेसलर रितिका हुड्डा ने रेसलिंग फ्रीस्टाइल 76 किलोग्राम वजन जुमरे में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रितिका ने आज खेले गए आखिरी 16 के मुकाबले में हंगरी की ब्रनाडेट नागी को शिकस्त दी। रितिका ने तकनीकी महारत की बुनियाद पर यह मैच 12-2 से जीत लिया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।